Acer has just launched the latest 32-inch TV, Acer Advanced I Series. इस वीडियो पे मैं आपको इस Acer Advanced I Series का each and every detail, इसका picture quality, इसमें कौन सा panel use हुआ है, इसका जो brightness है वो कैसा है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं एंड इसको सैमसंग के साथ कंपेयर किया जाए तो सैमसंग का टीवी पे जो फीचर्स है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो एसआर के साथ कंपेयर किया जाए तो कैसा रहेगा, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए वो भी इस वीडियो पे बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए इस तरह का वीडियोज़ और पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एसआर का जो एडवांस्ड आई सीरीज़ का मॉडल है लेटेस्ट उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्रीवियस वाला जो मॉडल है उसका लिंक मैं आपको नहीं दूंगा, तो एडवांस सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एसआर एडवांस्ड सीरीज़ आता है वो एक VA पैनल के साथ आता है। जनरली IPS पैनल का कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बट आजकल जो VA पैनल है उसका पैनल का कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। इस टीवी पे आपको VA D8 पैनल देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। जो कलर्स है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, ज़्यादा ओवर सेचुरेशन आपको इस टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर सैमसंग के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो सैमसंग आपको इससे थोड़ा बेहतर पिक्चर क्वालिटी दे सकता है बट सैमसंग का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। उससे कंपेरिजन से ये जो एसर एडवांस्ड आई सीरीज़ है इसमें आपको गूगल टीवी मिलता है, बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है जो कि सैमसंग का जो मॉडल है उस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस टीवी पे आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन 1366x768 देखने को मिलता है। ब्लू लाइट रिडक्शन एंड जो इमेज स्टेबलाइजेशन है, इमेज को अच्छे तरीके से, वीडियो को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए जो फंक्शनलिटी है वो भी आपको इस टीवी पे देखने को मिलता है। इस पे आपको नेचुरल कलर्स एंड HD और HD चैनल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसका जो अपस्केलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो 13K रुपीज़ के अंदर आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस वाला टीवी मिल रहा है। अगर आप सैमसंग लेते हो तो आपको 18K पर जाता है और सैमसंग का जो लोएस्ट मॉडल है जिसका प्राइस 12,000 है उस पर आपको कोई वॉइस सर्च देखने को नहीं मिलता एंड उस पर आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा एक गूगल टीवी है, आपको एंड्रॉयड का बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिलता है, प्ले स्टोर अवेलेबल देखने को मिलता है जो कि सैमसंग और LG का टीवी पे कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट कॉमन जो एप्लीकेशन है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब कुछ चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट प्ले स्टोर रहता है ना, प्ले स्टोर का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसका परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें आपको 1.5 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। ये एक गूगल टीवी है, बहुत सारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके साथ आपको 30W का हाई फिडेलिटी स्पीकर देखने को मिलता है। स्पीकर पे आपको 5 डिफरेंट टाइप का मोड आप टीवी पे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, HDMI 2.0 ARC एंड 2 USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। 2-way ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट आपको इस पर मिलेगा। बाकी अगर आप इस टीवी को सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको एवरेज HD चैनल का क्वालिटी देखने को मिलता है जो कि हर एक टीवी पे जितना प्राइस आप बढ़ाओगे उतना ख़राब होते जाएगा HD चैनल का क्वालिटी। तो जितना छोटा साइज़ है स्क्रीन का उतना अच्छे चलता है HD चैनल एंड जो HD चैनल होता है वो HD चैनल्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले होता है एंड अपस्केल होता है इस टीवी के अंदर। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इस टीवी पे एक वॉइस सर्च एनेबल्ड एक रिमोट देखने को मिलेगा एंड ये जो वॉइस सर्च वाला सिस्टम है ये सैमसंग का जो लोवेस्ट प्राइस का मॉडल है 32-inch टीवी वाला उस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हायर रेंज है 19,000, 18,000, 110 मॉडल है उस पे आपको देखने को मिलता है वॉइस सर्च वाला मॉडल। बट जो 12,000 प्राइस वाला मॉडल है मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखा है उसमें आपको ये वॉइस सर्च वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ आपको इस एसर एडवांस्ड आई सीरीज़ पे बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इस टीवी का वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गो वारंटी, वन ऑफ द बेस्ट वारंटी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। अगर आपका टीवी में कोई प्रॉब्लम आया 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद देन गो वारंटी कैन हेल्प यू टू रिपेयर दिस, टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको गो वारंटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा। अपना टीवी, एसी, जो जो अप्लायंस है उसको वारंटी आप एक्सटेंड कर सकते हो गो वारंटी के माध्यम से। इस टीवी पे एक कॉन है भाई, अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हो इस टीवी को तो आपको अलग से टेक्नीशियन से
वॉल माउंट परचेज करना पड़ेगा, टेक्नीशियन मतलब जो इंस्टॉलेशन टीम है एक्चुअली उससे आपको परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आप टेबल स्टैंड पे रखना चाहते हो टीवी तो वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है, बट वॉल माउंट के लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है। जो इंस्टॉलेशन टीम है उसके आने के बाद ही उन लोगों को अनबॉक्स करने दीजिए टीवी को। अगर कोई प्रॉब्लम आया टीवी पे देन दे कैन हेल्प यू टू रिटर्न दिस टीवी या फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप खुद से ओपन करते हो ना तो वारंटी उधर ही वॉइड हो सकता है अगर स्क्रीन पे कोई डैमेज रहा या फिर कोई इशू है यानी कोई प्रॉब्लम है देन कोई प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप खुद से इसको ओपन करते हो। कभी ये गलती मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में। इस रिमोट पे आपको वॉइस सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड अमेजन प्राइम यूट्यूब जो है उसका हॉट कीज आपको देखने को मिलता है। ये था ओवरऑल रिव्यू इस टीवी का। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप ज़रूर परचेज कर सकते हो। मैं कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दिया अबाउट दिस टीवी। एंड लास्ट ऑफ ऑल बताया जाए एसर की तरफ से ये 13K के अंदर आप जो टीवी पा रहे हो ये काफ़ी बढ़िया है एंड इसका जो हायर वर्जन है 43 इंच 55 इंच ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस ज़्यादा है, 4K टीवीज़ है वो, बट 32 इंच बजट के अंदर ये टीवी बहुत अच्छा है। आज के लिए ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर आप एक ब्रांड हो या फिर अगर आप एक क्रिएटर हो देन हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग सर्विसेज या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेबसाइट क्रिएशन, जो आप चाहते हो वो काम हम करके देंगे। हमारा एजेंसी का नाम है freelance10x.com जहां आपको बजट प्राइस के अंदर बहुत सारा प्रोफेशनल सर्विसेज देखने को मिलता है। वीडियो एडिटिंग से शुरू करके वेबसाइट क्रिएशन सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। अगर आप एक ब्रांड हो, क्रिएटर हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सर्विस और पाने को। बाय एंड थैंक यू।